नमस्कार। तो गर्मियों का मौसम है, आम का सीज़न चल रहा है, आम से तरह तरह की लोग मिठाइयाँ बना रहे हैं, डेजर्ट बना रहे हैं। तो आज हम भी बिल्कुल अलग कुछ तरीके से एक मिठाई लेकर के आए हैं, बहुत ही बनाने में आसान है। तो इस मिठाई का मैंने नाम रखा है मैंगो रबड़ी मावा रसमलाई, आप कुछ भी इसका नाम रखें। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम हमें दूध लेना है और इसे अच्छे से उबाल लेना है। तब तक हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ मैंने काजू लिए हैं, कुछ बादाम और कुछ अखरोट, और डाल देंगे इसमें थोड़े से पिस्ता। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सिर्फ बादाम भी ले सकते हैं, काजू बादाम भी ले सकते हैं। अब इसे मोटा दरदरा मैंने यहाँ पीस लिया है, बिल्कुल परफेक्ट ये पीसा गया है। अब कढ़ाई में जो हमने दूध गर्म कर रखा है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें ये पाउडर मिला देंगे। इसमें मैं यहाँ 2 चम्मच पाउडर मिक्स कर रही हूँ, इससे रबड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच इसमें मैं मिल्क मेड मिला रही हूँ, आप चाहे तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए 2 मिनट और पकाएंगे और देखते हैं, रबड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब इसे साइड में रखेंगे, आम की प्यूरी हम तैयार करते हैं। मैंने पहले से ही आम का पल्प जो है बना करके रखा है, इसे गैस के ऊपर हम 3-4 मिनट अच्छे से पकाएंगे और स्वाद के अनुसार इसमें चीनी मिला सकते हैं या चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आम खुद भी मीठा होता है। हमें इस मिठाई में आम की प्यूरी को जो है पकाकर ही काम में लेना है, कच्चे आम का कच्चापन इसमें अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा दिनों तक ये ठहरेगी भी नहीं, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने आम को पका लिया है। अब ब्रेड की तैयारी करते हैं। रसमलाई के लिए मैंने यहाँ मैदे वाली ब्रेड ली है, इसे बेलन से थोड़ा सा दबा करके हम बेल लेंगे और ऐसे इस तरह से एक साइड में रखें। एक एक करके हमें सारी की सारी ब्रेड ऐसे तैयार कर लेनी है, बेलन से दबा करके इसे बेल लेना है थोड़ा रोटी की तरह, और थोड़ी सी ब्रेड इससे क्या होगा, दब जाएगी यानी जम जाएगी, फिर कटने में इसे आसानी रहेगी, वरना काटते हैं तो ब्रेड फट जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ गिलास लिया है, आप कोई भी कटोरी या सांचा काम में ले सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कटी है ब्रेड, कहीं भी किनारियाँ इसकी फटी हुई नहीं है। इस तरह से काटेंगे तो बहुत अच्छी से कटेगी, और ये ब्रेड जो है बची हुई किसी और काम में ले सकते हैं, रसमलाई बनाएं या कुछ भी नमकीन भी बना सकते हैं। तो ये सारी मैंने यहाँ ब्रेड जितनी भी मुझे चाहिए थी मैंने कट करके रख ली है। यहाँ रसमलाई के अंदर भरावन तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने पनीर, मिल्क मेड और मिल्क पाउडर रखा है। अब पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। पनीर और मिल्क पाउडर की हमने बराबर मात्रा रखी है, मिल्क मेड जो इसमें जितना चाहिएगा उतना लेंगे। पनीर हमारा कद्दूकस हो चुका है, इसमें मिला दिया मैंने मिल्क पाउडर, अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद जो मिल्क मेड इसमें जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, क्योंकि इसमें मिल्क मेड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, शायद 2 से 3 चम्मच इसमें काफ़ी है। अच्छे से हम इसे मिलाएंगे और इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये शायद रेसो रहा है, 3 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ इसमें मिल्क मेड मिलाया था। और अब हमें क्या करना है, जो ब्रेड कट करके रखी है उन पे एक एक करके हम ये जो मावा तैयार किया है वो लगाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटी परत इस पे नहीं लगानी है, जितनी ब्रेड की है उसी हिसाब से हम इसके अंदर भरेंगे ये, और एक एक करके हम ये सारी भर लेंगे। इससे जो रसमलाई में आपका टेस्ट आएगा ना बहुत ही लजीज आएगा, और जो भी खाएगा पूछेगा अरे वाह कैसे बनाई, हमें भी तो बनाना बताओ। तो ये रसमलाई बिल्कुल डिफरेंट बनेगी औरों की रसमलाई से। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हमने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखा है वो डाल देते हैं, इसका क्रंच भी इसमें, टेस्ट भी क्रंच भी दोनों अच्छे आएंगे। और अब बारी है इन्हें कवर करने की, तो ब्रेड के एक एक स्लाइस इनके ऊपर रख के इसे कवर कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब डालेंगे इस पे हम रबड़ी, रबड़ी डाल करके हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से रेस्ट दिलाएंगे, ताकि ये रबड़ी जो है ब्रेड के अंदर अच्छे से रम जाए और हमारी जो रसमलाई है बहुत ही लजीज बहुत ही टेस्टी बने। ऐसी मिठाई आपको मार्केट में तो मिल नहीं सकती, घर पर ही बनाकर खानी पड़ेगी। अब इसके ऊपर जो हमने आम का पल्प तैयार किया है वो डाल देते हैं, यानी आम की रबड़ी। ये मिठाई आप फ्रिज में रखने के बाद 8 से 10 दिन आराम से खा सकते हैं, कोई इसका टेस्ट चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने आम को इसमें पका करके डाला है। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब थोड़ा सा इसे हम हिला करके सेट कर देते हैं इस तरह से, और डालेंगे ऊपर से थोड़ा इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स कटिंग
आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट डालें या फिर अवॉइड भी करें, कुछ भी करें, लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं। थोड़े से केसर के धागे मैंने इस पे डाले हैं, रोज़ पेटल्स जो मेरे फेवरेट हैं। तो इस तरह से क्या है कि रोज़ पेटल्स डाल देते हैं तो थोड़ा सा देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब इसे आप फ्रिज में रखने के बाद सर्व करें, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी ये ठंडी ठंडी। आइसक्रीम, रसमलाई, इसे जो भी आप नाम देंगे बहुत ही खाने में मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर बना करके खाएं। ऊपर से मैंने थोड़ी रबड़ी और डाल दी है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। वाह, मुँह में पानी आ रहा है, कितनी अच्छी लग रही है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।